The greatest guru that we have is love. Sahaj love is the guru within us, which teaches us, which somehow or other leads us. सहज योग की स्थापना द्वारा मानव जाति को कुंडलिनी जागरण एवं परमेश्वरी प्राप्ति का बोध प्राप्त करवाया। हिंदू सभ्यता में गुरु का स्थान श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही श्री माता जी ने भी सहज योगियों के लिए अपने गुरुत्व प्राप्त करने पर विशेष बल दिया है। तो यह भवसागर क्या कहलाता है, इसके बारे में जानते हैं। और इसी भवसागर पर सदगुरु का स्थान है। श्री दत्तात्रेय हमारे आदि गुरु हैं। इनमें श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश की शक्तियाँ विद्यमान हैं। और यह शक्तियाँ अलग अलग युग में मनुष्य को भवसागर से पार कराने के लिए जन्म लेती रही है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने बताया है कि श्री आदि गुरु अत्यंत अबोध है, क्योंकि उन्हें जन्म देने वाली स्त्री माता सती अनुसैया एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। यही श्री आदि गुरु की पवित्र शक्ति मानस के भव सागर में स्थित है। इसे पाकर हम एक प्रेममय एवं अत्यंत विनम्र गुरु बन पाते हैं। तो आइए अब हम श्री माता जी की अमृतवाणी द्वारा प्राप्त जानकारी से श्री आदि गुरु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री राजा जनक का जन्म भारत की मिथिला नगरी में हुआ। वह सीता माता के पिता थे। उन्हें विदेह नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर अपने आत्मज्ञान को समझा और उनके द्वारा नचिकेता को अपनी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई थी। वह हमारे प्रथम गुरु हैं और हमारे बाल भव सागर में बाल फेफड़े का नियंत्रण करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री अब्राहम जी का जन्म मेसोपोटामिया में, इन्हें अध्यात्म का पिता कहा गया है। इन्होंने ईश्वर एक ही है का संदेश दिया है। वे हमारे बाल भव सागर में हमारे अमाशय अर्थात पेट का निरंतर करते हैं। जय श्री माता जी। श्री धोराष्टल, इनका जन्म पर्शिया में हुआ था। इन्होंने एक ही ईश्वर पर विश्वास करना, सत्य और पवित्रता के मार्ग पर चलना को सिखाया है। नव निर्माण, शुद्ध चित्त, विवेक बुद्धि और आत्मविश्लेषण, यह उनके गुण हैं। वो हमारे बाय भाव सागर में बाय किडनी को नियंत्रित करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री जिसका जन्म इजिप्ट मिस्र में हुआ, वे ईसाई और जू धर्म के प्रमुख संदेश वाहक है। उन्होंने भी ईश्वर एक है का संदेश दिया। वे हमारे बाल भव सागर में
स्प्लीन अर्थात तिल्ली का नियंत्रण करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री लाओसे जी का जन्म चीन में हुआ था। वो चीन के प्रमुख दार्शनिक थे। लाओ के शब्द का अर्थ है शुद्ध होना और तशे के शब्द का अर्थ है गुरु होना, प्रेम करुणा और अपने शिष्य की ओर एक गुरु का मातृत्व होना, वही उनके प्रमुख गुण थे। श्री लाओसे जी हमारे बाएं भवसागर पर हमारा उत्सर्जन अंग नियंत्रण करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री कुंग फुत्सु अर्थात कन्फ्यूशियस 551 ईसा पूर्व इनका जन्म चीन में हुआ। इन्होंने सत्य प्रेम और न्याय का संदेश दिया। इन्होंने दंड के स्थान पर चरित्र सुधारने पर बल दिया। वे दाएं भवसागर में यूरिनरी ब्लैडर का नियंत्रण करते हैं। जय श्री माता जी। श्री सोक्रेटिस जिनका जन्म यूनान में हुआ। वह एक महान दार्शनिक थे। उन्हें पश्चिमी दर्शन का आधार कहा गया है। उनके अनुसार हम सभी को स्वयं का गुरु होना चाहिए तथा निर्विचार समाधि को प्राप्त करना चाहिए। वे दाए भवसागर में हमारे दाई गिरी का नियंत्रण करते हैं। जय श्री माता जी। श्री मोहम्मद पैगंबर इनका जन्म अरब के मक्का शहर में हुआ। वे इस्लाम के महान पीर अर्थात अंतिम संदेश वाहक माने जाते हैं। उन्होंने भाईचारा एवं मानव समानता पर बल दिया। वे दाए भवसागर में हमारे गॉल ब्लैडर का नियंत्रण करते हैं। धन्यवाद। जय श्री माता। जय श्री माता जी। श्री गुरु नानक जी का जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी शहर में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। उन्होंने सबद में अबोदिता एवं श्री गणेश जी का वर्णन किया। इन्होंने सहस्त्रार को दशम द्वार का नाम दिया तथा कुंडलिनी जागरण द्वारा परमात्मा को पाने की बात की। वे हमारे दाए भवसागर में लीवर अर्थात यकृत का नियंत्रण करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री शिरडी साईनाथ उनका जन्म महाराष्ट्र के शिरडी नामक गांव में हुआ। इन्होंने श्रद्धा और सबूरी की नैतिक शिक्षा दी। उन्होंने सबका मालिक एक है का संदेश दिया। वे दाए भवसागर में दाए फेफड़े का नियंत्रण करते हैं। जय श्री माता जी। ये थे हमारे दस गुरु जो हमारे भवसागर में विराजमान हैं। इस जीवन काल में भवसागर